क्या हो गया? असद को फोन क्यों नहीं उठा रहा? रबिया को फोन करना पड़ेगा। मामा, जी बेटा। मुझे अपने नए घर के फर्नीचर के लिए पैसे चाहिए। बेटा वो तो बात की बातें है ना, जब वक्त आएगा तो फर्नीचर ले लेंगे। अभी अपनी कंडीशन देखो, संभालो अपने आप को। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। और आपको मेरा वीक पॉइंट मिल गया ना, मुझे पता था आप इसको जरूर यूज करेंगी मेरे अगेंस्ट। कैसी बातें कर रही हो? मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था। मैं सब समझ रही हूँ क्या मतलब था, और आप जो सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। अम्मी अम्मी क्या हो गया? मुझसे बात तो करें। कोई बात करने लायक छोड़िए जो करूं। ऐसा क्या हो गया बेटा जी? ये तो वक्त बताएगा कि क्या हुआ। अम्मी प्लीज मुझसे तो साफ साफ बात करें। बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये करूंगा वो करूंगा, बड़े घर के ऐशो आराम के ख्वाब दिखाते दिखाते, और बात बच्चे पे आकर खत्म हुई। बात बच्चे पे आके खत्म तो नहीं हुई, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। और जहां तक बात रही ख्वाबों की, तो वो मैं पूरे करके रहूंगा। किसी खुशफहमी में मत रहना, निदा की चलाकी को मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। वो बीबी हमसे दो हाथ आगे निकल गई है, मौके पर इक्का फेंका है। कुछ नहीं कर सकती निदा। जो करना था ना वो कर गई, अब आगे जाकर बहुत कुछ करेगी। इस बच्चे को हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी और तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम हमसे दूर हो जाओगे और उसके गुलामी में जाकर बैठ जाओगे। माय फुट अम्मी, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम आप दोनों हैं। जहां तक बात रही प्लान की, तो वो हम मिलकर पूरा करें। झूठ बोल रहा है ना तू? वक्ती तौर पे मुझे तसल्लियां दे रहा है बस। आपकी कसम अम्मी, मैं आपका फरमा बरदार बेटा बनकर रहूंगा। सच कह रहा है? सच कह। तुझे खुश रखे और हमें कामयाब करे। अब जो भी प्लान बनाएंगे ना हम मिलके बनाएंगे। ठीक है। आपने बताया नहीं क्यों आई आप? क्यों कर रहे हो ये सब? किस बात का बदला उतार रहे हो? मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझा है, अपने की पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। किस तरह की बातें कर रही हैं आंटी आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये जो जारा कर रही है ना, बगावत पे आ गई है। हिम्मत दिखा रही है ना, मुझे सब पता है, तुम उसे इनकरेज कर रहे हो। आंटी प्लीज, आप उसके बिहेवियर का इल्जाम मुझे नहीं दे सकती। और ज़ारा कोई बच्ची नहीं है कि मैंने कोई भी बात बोल दी तो वो करने के लिए खड़ी होगी। और अगर वो बगावत कर रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जुल्म और नाइंसाफी है, और उसका सारा ब्लेम मैं आपको दूंगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैंने अगर असद को बता दिया तो क्या कर लेगा असद? जो वो करेगा ना तुम देखोगे। मैं सोचना भी नहीं चाहता। इतना खुल के तुम आगे आओगे मुझे अंदाजा नहीं था, और मुझे भी यकीन नहीं था कि ये सब कुछ आप कर सकती। खैर, क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी? दिस कन्वर्सेशन इज ओवर। तुमने तो कहा था कि तुम एक घंटे में आ जाओगे, तो फिर अब क्या हो गया? तुम्हें अगर इतनी देर लगनी थी तो फिर वो चीजें मुझे दे जाते ना जो मैंने मंगवाई थी। जल्दी आओ। आ जाओ। शमीम से तुम्हारी खुशखबरी का पता चला।
बहुत खुशी हुई, मुबारक हो तुम्हें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी जहमत की। अल्लाह तुम दोनों को अपनी हिफाजत में रखे, सेहत दे, अपना बहुत ख्याल रखना, और कोई भी चीज चाहिए हो तो जरूर बताना। अब मैं आराम करूं? हाँ क्यों नहीं। ज़ारा, क्या मजाक है? खुला नाम भिजवाया तुमने मुझे? मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला है। हुआ क्या है? क्यों ऐसी फजूल बातें कर रही हो? तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है सारा। कि सारा, मैंने क्या किया है, क्या गलत हुआ है मुझसे? गलत तुमने नहीं, गलती तो मैं करती चली गई थी सारा। तोड़ कर तुमसे मोहब्बत की ये, तुम्हारी झूठी कसमों पे वादों पे भरोसा किया, ये गलत किया। आज जीने मरने की कसमें खाई थी ना सर तुमने। कहा क्या वो सर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ सर। एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया, मैं रोती रही तड़पती रही, घंटों इस दरवाजे के आगे बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रही सर, लेकिन तुम नहीं आए। गलत तुमने, गलत मैं थी। अब तो आगे मैं लौट आया हूँ तुम्हारे सामने। गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता साथ, नहीं आता। देखो इस बात का अंदाजा है मुझे कितना तड़पी हो तुम मेरे लिए, लेकिन मैं भी तो तड़पा हूं तुम्हारे लिए। वहां तन्हा था मैं तुम्हारे बगैर। दूर कर तो दी थी तुम्हारी तन्हाई रबिया ने, से मेरी शादी जिन हालात में हुई थी वो हालात तुम्हारी माँ ने पैदा किए थे सर, तुम्हारी माँ ने। मुझे तुमसे दूर रखने के लिए रबिया को तुम्हारे करीब किया, ऐसा जाल बिछाया कि तुम उस जाल से चाह के भी नहीं निकल पाए, है ना? मामा, क्या कर रही हो तुम? हाँ। खबरदार, मेरी माँ के खिलाफ अपनी जबान से एक लफ्ज मत निकालना तुम। हाँ गलती हो गई मुझसे, गलती से निकल गया सच मेरी जबान से, लेकिन तुम क्यों यकीन करोगे मुझ पर? लेकिन जब कुदरत ये सच तुम्हारे सामने लाएगी ना सच, कि किस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिंदगी से निकाला, तब तुम अपने आप से भी नजर नहीं मिला पाओगे। बहुत हो गया, करो खुला नामा पे साइन और रखो मेरे इस खाली हाथ पर अभी इसी वक्त। बेटा तुम कब आए? ठीक हो ना?
आज पहली बार आंटी की ज़ारा के लिए मुखालफत खुलकर मेरे सामने। मुझे धमकियां देनी थी और ज़ारा से जीने का हक छीन लेना चाहती। खुलानामा मिलने के बाद असद भी सांसें तंग कर देगा ज़ारा। मैं साथ नहीं छोड़ूंगा ज़ारा का। तो बोले आप मामा, ऐसे क्यों बैठी हुई हैं, क्यों खामोश हैं, बात करें मुझसे। बेटा तुम नहीं थे ना, मैं बहुत अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, बात ही नहीं कर सकती थी इस घर में। लेकिन तुम अब आ गए हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारा ने क्या किया तुम्हारे साथ, खुला मांग लिया? मैंने उसका इतना ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और उसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। छोड़े मामा, मैं जानता हूँ सब, वापस वापस ये छोड़ दे फिक्र करना, बस अपना ख्याल रखें। भाई दादा, क्या हाल है तुम लोग? ठीक, आप कैसे हैं? तुम लोगों को कैसे पता चला मेरे आने का? मैं अपने कमरे में थी तो शमीम ने बताया कि आप आए। अच्छा, तुम लोग इधर ही हो? हाँ, कुछ दिनों से यहाँ मेरे साथ रुके हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अब बैठो। आकाशिफ आओ। क्या खत्म हो गया वो सफर, कैसे एक दूसरे के हाथ पे हाथ डाले, प्यार से कदम बढ़ाते शुरू किया था, इतने हसीन ख्वाबों का इतना भयानक अंजाम। ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि इस मोहब्बत के रास्ते पर चलते चलते मेरा वजूद किरची किरची हो जाएगा। कौन? सारा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मेरी मजबूरियां और जुदाई ने तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत सी गलतफहमियां पैदा कर दी है ना, दूर कर दूंगा सारी गलतफहमियां, सब ठीक कर दूंगा मैं। कितना रो रो के मुझे फोन किया करती थी, सब एक बार आ जाओ, तुम्हें देख के जीने का हौसला मिल जाएगा। और अब जबकि मैं आ गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो ऐसे अनजान बन गई हूं जैसे मुझे पहचानती तक नहीं। मैं तो अपनी पहचान भी खो चुकी। देखो सर, आज रात यहां रहना मेरी मजबूरी, सुबह होते यहां से चली जाऊंगी। देखो सारा, जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ प्लीज।
उठा किस्मत दे फेरे। ऐसे लग रहा है जैसे कि सारी दुनिया मिल गई मुझे। हाल सुनावा कोई नहीं तेरा दिल मान के ना मेरी मामा को। हाँ मान गई, अब मैं सारी जिंदगी खुशी से उनकी खिदमत करूंगी। अपनी खिदमत कराने के लिए तो तुम्हें नहीं लेके आए, सर अंकों पर बिठा के रखेंगे तुम्हें। जाने दो मैं इसको। नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ जी आरिफ साहब, वो मैंने आपको जो चेक्स दिए थे ना पेमेंट्स के लिए, वो रिलीज ना कीजिएगा अभी प्लीज। मैं आपको बाद में दफ्तर में समझाऊंगी क्या करना है। हाँ जी ठीक है जी, थैंक यू। हेलो थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू, आई एम सो हैप्पी। वैसे यू आर एज हैप्पी एज आई एम, है ना भाई के आने के बाद। मैं और काशिफ आज ही मूविंग शुरू कर देंगे।
हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। असद आ गया है। ये असद अचानक कहाँ से आ गया? कल रात को ही आया है। फिर क्या कह रहा था वो? गलत फहमियाँ दूर करना चाहता है। गलत फहमियाँ दूर? देखो ज़ारा प्लीज तुम परेशान मत हो, कोई भी तुम पर किसी किस्म का प्रेशर भी नहीं डाल सकता। जो फैसला तुमने किया है ना उस पर कायम, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। What? कहाँ जा रही हो ज़ारा? पता नहीं। देखो ज़ारा, तुम इस तरह कहीं भी नहीं जा सकती। मेरा इंतजार करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ ना तुम्हारे पास। नहीं अशर, तुम यहाँ मत आओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? इतनी बड़ी दुनिया अशर, अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी कोई ना कोई ठिकाना तो रखा होगा। कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं ज़ारा, मेरी बात सुनो ज़ारा। असद बेटा उठो, तुम्हारे इंतजार में नाश्ता भी नहीं किया मैंने। मामा, नाश्ता नहीं किया आपने अभी तक? 10 बज चुके हैं, आपको नाश्ते के साथ दवाई लेनी होती है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोज अकेले नाश्ता करती हूँ, आज चाह रही थी कि तुम्हारे साथ करूं, और पहले की तरह ना अपने हाथ से नवाले बना के खिलाऊं तुम्हें। बचपन की तरफ ले जा रही मुझे आप। कितना अच्छा वक्त था, कितने नाजों से मैंने तुम्हें और नैदा को पाला है। छोटी छोटी ख्वाहिशात थी तुम दोनों की, काश वक्त वहीं रुक जाता। आपने सारी जिंदगी हमारा बहुत ख्याल रखा मामा, बल्कि अपनी सारी लाइफ हमारे लिए वक्फ कर दी। लेकिन बस आपने हमें जितना संभालना था ना संभाल लिया, अब मेरी बारी है, मैं संभालूंगा आपको। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हें रबिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। आना तो मैं भी नहीं चाह रहा था। फिर क्यों आए वापस बेटा? वो जिस हाल में ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें वहां रहना चाहिए था। सही कह रही है। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मुबारक हो
सुबह उठी तो पता चला कि असद साहब आ गए हैं। आप कहीं जा रही हैं? इधर आओ शमीम। शमीम तुम्हारे पास कोई जगह है जहां मैं कुछ दिन रह सकूं? ये क्या कह रही हैं आप? मैं यहाँ नहीं रह सकती शमीम। बीबी, मैंने आपको साहब के इंतजार में पल पल हर लम्हा तड़पते देखा है, और जब वो आ गए हैं तो आप जाने की बात कर रही हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम जारा। तुम मुझे ना रोकने का हक खो चुके हो। पागलों वाली बातें मत करो जारा। ये क्या है, कहाँ जा रही हो तुम? ये तो आप बताएं ना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सारा, ये बैग वापस अपने कमरे में रखो। सारा, तुमने इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। किसे धमकियां दे रहे हो? भेज तो चुकी हो तुम्हें फलाने। साइन करो उस पे और जियो जैसी जिंदगी जीनी है तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें जारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तो ऐसी नहीं थी। ये हिम्मत कहां से आई तुम्हें? हिम्मत आई नहीं है, हिम्मत दी गई है। फुलानामा इसने तुम्हें नहीं भेजा, भिजवाया गया है। ये जो कह रही है ना तुम्हें कि जाओ अपनी जिंदगी गुजारो, अपना रास्ता साफ कर रही है ताकि अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। अपनी असलियत दिखा दी है इसने। बेटा, इसको ये हिम्मत और हौसला अशर ने दिया है। वाह, अपने किए को छुपाने के लिए मेरी जात पर कीचड़ उछाल रही हैं आप। अच्छा, पूछो पूछो इससे क्या किया मैंने। हाँ पूछो ना। मैंने कल रात को भी समझाने की कोशिश की थी तुम्हें कि ये सब एक गलत, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। ये गलत फहमी नहीं है। पूछो इनसे, सामने बैठी है ना, पूछो इनसे क्या इन्होंने तुम्हें मुझसे अलग करने के लिए रबिया को पैसे नहीं दिए। सारा चिल्लाओ मत। जिस तरह हौसले से मैंने सब कुछ सुना है ना, उसी तरह हौसले से ये सब कुछ तुम्हें सुनना होगा। अपना रास्ता साफ करने के लिए माँ के खिलाफ बेटे के कान भर रही है। कान भरने होते तो उसी वक्त भरते जब आपने मेरी औलाद को इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया था। सारा बकवास बंद करो तुम, मेरी माँ ऐसी नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ये ठीक कह रही है, ये सब मैंने ही तो किया है। तुम्हारी माँ ही कसूरवार है ना? वो माँ जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ भुला दिया, अपने बच्चों को बचाने के लिए दिन रात दुनिया के साथ मुकाबला करती रही। वो माँ जिसने बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसी बेटे की माँ पे इल्जाम लग रहा है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली है उसने। ठीक कह रही है सब, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने इसे अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन मैं तो इसके लिए सास ही निकली। सास का रिश्ता होता ही ऐसा, कभी अच्छाई में नाम थोड़ी आता है, इल्जाम ही दिया जाता है। ये दिन भी देखना था, बेटे के सामने खड़ा करके बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। कर लो, यकीन कर लो, मान लो इसकी बात। नहीं नहीं मानो, कोई चलते अंगारों पे खड़ा करके भी मुझे कहेगा ना ये बात, मैं यकीन नहीं करूंगा। काश तुमने तब भी कहा जब इन्होंने मेरे नाम के साथ अशर करना चाहा कि कोई जलते हुए अंगारों पे खड़ा होगा तब भी मैं जारा की जात पे शक नहीं करूंगा। देखो फिर वही कह रही, मान लो इसकी बात, सूटकेस लेके खड़ी है तुम्हारे सामने,
यकीन कर लो इसकी बातों पे तुम। बात को अपनी मर्जी का रंग मत दे मुन्ना। ज़ारा। तो? ग्रेट टाइमिंग। लो, तुम्हें लेने खुद आ गया है। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम अशरा हमारे साथ? खेल? खेल तो तुम और आंटी खेल रहे हो ज़ारा के साथ। क्या बकवास कर रहे हो? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुम ही संभालो इन दोनों को। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? मना किया था ना मैंने तुम्हें, मत इंटरफेयर करो मेरी लाइफ में। खुद लड़ने दो मुझे ये जंग, जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इसे यहाँ से इस तरह जाने दूंगा? और मैं भी इसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, सुना तुमने? मैं इसका हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, सुना तुमने? तुमने ये क्यों किया? क्या कर रहे हो ये सब कुछ? कहाँ के लिए चले जाओ यहाँ से? मन बर्बाद करो मेरी जिंदगी, जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात। क्या खेल खेल रहे हो तुम अशरा हमारे साथ? क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? मना किया था ना मैंने तुम्हें, मत इंटरफेयर करो मेरी लाइफ में। खुद लड़ने दो मुझे, जाओ यहाँ से। कमजोर पड़ गई तुम? क्यों कमजोर पड़ गई ज़ारा? बेगम साहबा जी से आप इस तरह और कहां जा सकती हैं? कहीं भी जाऊंगी लेकिन यहां नहीं रहूंगी, मुझे यहां से जाना होगा, बस नहीं रहूंगी यहां, मैं नहीं रहूंगी। अगर इतना ही जरूरी है जान, तो आप अपने अम्मी अब्बू को फोन क्यों नहीं कर लेती? क्यों नहीं बता देती कि यहाँ क्या हो रहा है? नहीं शमीम, मैं उन्हें ये सब कुछ नहीं बताऊंगी। इतनी मुश्किलों से मेरी बहन ने इतनी बड़ी बीमारी से रिकवर किया, वो लोग इतने खुश हैं। अभी तो उसकी शादी हो रही है, उसका घर बसना, मैं वहां जाके बैठ गई तो उसका घर बसना मुश्किल हो जाएगा ना। इतनी मुश्किलें देखी है मेरे अम्मी अब्बू, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती जमीन।
तो फिर क्या हल है इस मसले का बेगम साहब? इसका हल ये है कि मुझे यहां से जाना होगा। उसने तुम्हारे सामने आज क्या कुछ कह दिया बेटा? पता नहीं कब से प्लानिंग कर रही थी कि तुम आओगे तो मेरे बारे में ये सब बातें करेगी। मम्मा प्लीज, आप प्लीज परेशान मत हो। नहीं बेटा, तुम्हारा दिल अगर खराब हो जाता तो मैं ही बुरी बनती ना। नहीं नहीं मम्मा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे आपके खिलाफ कोई भी बदजन नहीं कर सकता। कितने अरसे से आशा और ज़ारा के सब सिलसिले को बर्दाश्त करती आ रही हूँ, तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि मैं ज़ारा को खुद ही समझा लूंगी। गलत किया आपने मामा, आप बता दिया होता आपने मुझे। बेटा तुम इतने दूर हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। खुद ही सब कुछ सहती नहीं मैं। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इतना बड़ा कदम उठा दिया तुम्हारे खिलाफ, खुलानामा भेज दिया। अच्छा मामा, बस बस आप रिलैक्स रहे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आ गया हूँ ना, मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। ये दोनों क्या समझते हैं कि ये अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। बस आपने अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना आपने। हेलो हेलो, कहाँ थे सारा दिन से? इधर ही हूँ, मामा के पास हूँ। थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुम्हें। क्यों, उनके सामने बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा होल्ड करो, रविया का फोन है, मैं सुन के आया।